बाकी अभी नहीं, नैनो के लिए अभी कस्टमर आया था भाई। और जो पीछे से पुश लगता है ना तो वो फील होता है भाई। तो भाई अमिताभ बच्चन के फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पे। नेक से पिल्लू को पकड़ा है भाई मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज हो गई है 10 तारीख और 2 दिन बाद उत्तरायण आ रही है। और इस बार मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया है वहाँ पे। चेक करेंगे अगर आज जा पाते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ट्रिप से आए हुए ये दूसरा दिन हो गया है और होपफुली आपको ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देखना। काफ़ी कम रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, जाके जल्दी से लाइक करो और कमेंट कर दो जाके वहाँ पे यार। बाकी स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। जब तक ये पानी वगैरह मैं डाल दूँ, खाना वाना खा लूँ, फिर आराम से फिर बाहर जाते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और सही बताऊँ तो यार, जब से मैंने एक्सल ठीक कराया ना अपने, सही में भगवान कसम, गाड़ी चलाने का जो मजा है ना वो 10 गुना बढ़ गया है। तो क्योंकि गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है। अरे यार, आप सबने देखा होगा गाड़ी जो चलाते होंगे तो उनको पता होगा भाई, जब पेट्रोल गाड़ी जो होती है ना वो सेकंड गियर पे उठती नहीं है, सेकंड गियर पे गाड़ी बंद हो जाती है। ये गाड़ी भाई साहब, मैं खड़े होकर सेकंड गियर पे भी गाड़ी उठाऊँ ना तो आराम से उठती है, बहुत प्यार से। और भाई साहब एक्सपीरियंस जो बताओ ना भाई, जब मैं उधर गया था मैंने इतने रास्ते मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत थे, ठीक है, उसके साथ साथ चैलेंजिंग भी थे पूरा। मतलब कि हिल एरिया पे जो गाड़ी जो थी अपनी थर्ड गियर पे 40-50 की स्पीड पे ऊपर चढ़ रही थी विदाउट स्ट्रगल। और जो पीछे से पुश लगता है ना तो वो फील होता है भाई कि भाई हाँ गाड़ी एकदम मतलब मक्खन चल रही है। रास्ते तो इतने मक्खन थे ही, गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही थी भाई साहब, इतनी प्यारी। और एक्सेल जो ठीक कराया ना तो एक्सेल फील होते हैं कि भाई स्मूथ चल रही है गाड़ी, कुछ भी कहो, इतनी जबरदस्त मतलब चलाने में फील आ रहा था, मजा आ रहा था। क्योंकि मैं पहले गाड़ी चलाता था तो एक्सेल की वजह से, आपने कभी देखा होगा मेरे पुराने वीडियोज में कि जब अपने टर्न लेते थे या फिर फर्स्ट और सेकंड गियर पे ज़्यादा जल्दी ट्रैक्शन देते थे तो एक्सेल मतलब साउंड आता था, तो हमें लग रहा था कि भाई वो अपना साइलेंसर का साउंड है, बट वो साइलेंसर का साउंड नहीं था, वो एक्सेल जो इधर का था एकदम ही ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो साउंड आ रही थी। और अच्छा हुआ मैंने वो साइलेंसर के साउंड को ठीक करने के चक्कर में मैंने वो चीज़ देखी, नीचे वीडियो लिया कि भाई क्या सीन है। उस चक्कर में मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरी एक्सेल ख़राब है। और अच्छा हुआ मैंने ट्रिप पे जाने से पहले मैंने भाई वो एक्सेल ठीक करा लिए, वरना ही तो टेंशन रहती। दूसरी बात, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अभी चाहे जितना भी तेज उठा लो गाड़ी, भाई साहब इतने प्यार से उठती है, मजा आता है, एकदम आगे से उठ जाती है गाड़ी। बिल्ली मार देती है, छोटी सी बिल्ली तो नहीं मारती, मजा आ गई कर रहा हूँ मैं, ज्यादा सीरियस मत लेना कि अपनी नैनो बिल्लियाँ मार रही हो, ऐसा नहीं होता। ये साउंड कहाँ से आ रहा है, मेरे को ये दिमाग खराब हो रहा है, विंडो से साउंड आ रहा है, कौन से गेट से साउंड आ रहा है समझ नहीं आ रहा। एक बार लगता है इसका जो डोर वाइजर है ना, रेन वाइजर डोर पे जो लगा हुआ है, मे बी शायद वो हिल रहा है, कुछ इशू कर रहा है, तो साला यही प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक कम है, लेकिन यार अभी तो है ना कार लेके निकलो तो ही अच्छा है, क्योंकि है ना बाइक लेके तो क्या सीन है कि है ना धागे वागे लग सकते हैं, कुछ भी कहो। अभी है ना तीन दिन बाद तो बहुत ध्यान से निकलो एक महीने तक, क्योंकि है ना अब तीन अभी उत्तरायण आ ही रही है और अपने ना मार्केट तो जा ही नहीं पाए यार पतंग वगैरह लेने के लिए, लगता है लूट के ही उड़ानी पड़ेगी अब की बार। ऐसा लग नहीं रहा कि भाई खरीद पाए, क्योंकि है ना मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं भाई ये ट्रिप पे। और तुम लोग व्यूज दीजिए यार, पे जाके व्यूज दो, जल्दी जल्दी शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो नहीं किया है तो। भाई साहब गर्मी ने तो भाई क्या ही बोलूँ, हालत खराब कर रखी है। और अभी देखा, अभी मोड़ रहा हूँ गाड़ी फर्स्ट गियर में, अभी सेकंड गियर में, और सारा सामान यहाँ का यहाँ आ गया बट आवाज़ नहीं आई। मांझे वगैरह अभी सब सूते जा रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर भी लगाया है रमेश मोटर के पास और आगे भी है, मजा आ गया मजा। लेट्स सी अभी उत्तरायण का क्या सीन रहता है, बाकी तो अभी कोई प्लान फिलहाल तो नहीं है, अब होगा तो देखेंगे किस हिसाब से क्या सीन रहता है। चलो भाई पहुंच गए, अब देखते हैं कहां पर आवाज आ रही है, ये गाड़ी चालू करते तभी पता चलेगा है ना। पीछे से आ रही है, देखते हैं कहां पर क्या है सीन। ये तो सही है, ये बराबर, कहां से आवाज ये आ रही है, नहीं आ रही इसमें तो। वाइजर भी बराबर है, मिरर भी ऊपर है पूरा, फिर क्यों ऐसी आवाज आ रही है, लगता है कुछ करना पड़ेगा।
है ना गाड़ी भाई साहब, अगर सोचो ना कि हाँ बराबर रहे, बराबर नहीं रहती, कुछ ना कुछ तो तकलीफ है। ये देखो मैं अपने महबूबा के नाम मत लिखा करो भाई मेरी गाड़ी पे, पागल आगल हो क्या एकदम ही। तो ऊपर कर देते हैं। और राकेश भाई, ओ बाप रे, ये क्या रिनोवेशन चल रहा है? कौन सा रेनोवेशन? ऊपर कुछ था तो सही, आपका बोर्ड था कि क्या था? अच्छा छत था। हाँ, एल्युमिनियम के प्लेट। अभी यहाँ लगा रहे, पूरा लगा रहे, बड़ा पूरा यहाँ था ये पेड़। वाह भाई वाह। और हाइट भी बढ़ जाएगी, पहले लग के ही था, देखो ये लगा दिया पूरा। अभी अभी पीछे से पूरा चालू होगा। हाँ यहाँ तक, आगे तक, यहाँ तक, तो ऊपर भी सीटिंग आ जाएगी पूरी। बढ़िया है यार, मेरे को थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर दो यार, मैं थोड़ा घुमाऊंगा। शुभम शर्मा चलो तो भाई ये अपनी ये थी, गौतम भाई ने इसमें मस्त ऊपर ऊपर लगवा दिया। मस्त गाने देखो कितने चल रहे, बेस आ रहे भाई, गाने भी तो देखो कैसे चलाया इनकी प्लेलिस्ट भाई अलग ही रही है सबसे। ऐसा एक एक सब ऊपर लगवा लेता हूँ अपनी नैनो में, फिर तो मजे आ जाएंगे। वैसे बेस बढ़िया दे रही है अभी गाड़ी भाई, देख रहे हो खतरनाक चल रहा है भाई ये कितने का होगा ये 7000 का ऊपर है भाई, बताओ सोनी का है बहुत तेरी भाई ये है जबरदस्त चीज। ट्रेवल वगैरह पे जाओ इस पे और कहीं पर भी खड़े हो गए बस बजाने लगो नाइट कैंपिंग में मजा आ जाए इसके अंदर। यहाँ गाने ही गाने जबरदस्त है, एक गाड़ी भी जबरदस्त है भाई, 4x4 है, स्कोडा ये थी और स्कोडा की है। इधर देखो नेक नेक से छोटे छोटे से क्यूटी पीटी हो गए, अभी कहाँ चला गया वो देखो। ओए 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 क्या ढूंढ रहा है? ए नहीं 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 नहीं, इधर ले 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 कितने टाइम बाद एक नेक से पिल्लू को पकड़ा है भाई मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कितना प्यारा है यार ये, घर ले जाऊंगे इसको। नहीं यार इसके मम्मी पापा यहीं रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा ये, पर ये रोड के साइड रहते हैं ना बेचारे, देखो कैसे भाग रहा है। एक्सप्लोरेशन चल रहा है उसका, है ना, सब कुछ एक्सप्लोर करना है उसको प्यारा। तो भाई ये अभी पूरा काम हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ तक सेटअप करेंगे। ये तो खैर पेट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, खैर बढ़ नहीं पाएगा, ये सीन हो जाएगा, बाकी शायद कल तक शायद हो जाएगा, अभी तो पूरा काम कर ही रहे हैं, तो देखते हैं तब तक क्या सीन होता है। अभी अपनी नहीं नैनो के लिए अभी एक कस्टमर आया था भाई, तो गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, तो आया था कस्टमर कि भाई ये बेचनी है क्या? तो गौतम भाई बोल रहे थे बेच दो भाई बेच दो, मैं बोला नहीं यार नैनो ये वाली बेचनी नहीं, अपनी गाड़ी है यार, प्यारी गाड़ी है, तो उसमें काम करना बाकी है, अभी इसको ही चलाएंगे अच्छी, फिर देखते हैं कभी हुआ तो फिर एक और ले लेंगे दूसरी। बट अभी इसको बेच के, जब तक दूसरी है ही नहीं गाड़ी, तो फिर कहाँ से बेचते हैं इसको? दूसरी गाड़ी लेने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, मेरी गाड़ी बिकवा रहे हो भाई। तो ऐसा सपना मुझे भी आया था कल वो आया था ना, कितने में बोला था? 6500 में। 6500 फिर मैं क्या करता फिर गाड़ी का, मेरे पास नहीं होती गाड़ी, तो ये लोगों को क्या दिखाता मैं, बोला गाड़ी बेचने का ऑफर आया था, ये बिकवा रहे थे, तो मैं क्या लोगों को ट्विस्ट दिखाते। ट्विस्ट तो भाई महंगी दे रहे हो ना आप, मतलब मेरे बजट से बाहर है, महंगी ना, मेरे बजट से बाहर है ट्विस्ट, अभी ये करवा देते हैं। अच्छा आपका क्रेडिट कार्ड है ना इंडसइंड बैंक का, वो किस डालते हो? मेरे पास है क्रेडिट कार्ड, मुझे ही नहीं पता, 5 मिनट में निकलता है। तो भाई बंदा आया था वो नैनो देख के आया उनके पास कि भाई नैनो है क्या, हालांकि अपने पास है एक। गाइज वो बंदे ने इनकी नैनो की 60000 की ऑफर की है, तो अभी आप लोग बताओ कि ये ऑफर सही थी या गलत। 100% सही ऑफर थी ये ऑफर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बहुत ठीक है, बट मेरे को अभी सेल नहीं करनी, क्योंकि 60000 में भी 60000 में बेच के आपको दूसरे 20000 पे डाल के नैनो ट्विस्ट मिल रही है। 20000 नहीं है ना मेरे पास, एक्चुअली मुझे वो बंदे ने 60 की ऑफर करी तो मुझे लगा बाजू में दूसरी गाड़ी भी खड़ी है। बट यार अभी पैसे नहीं है वरना इसके लिए बेच नहीं रहे, और मैं ये गाड़ी से जवाब भी है, और भाई साहब इसमें खर्चा भी बहुत किया है मैंने, पैसे नहीं हो तभी तो गाड़ी बेचनी चाहिए तो फिर क्या करूँगा भाई, कहाँ से घूमूंगा इसमें, गाड़ी बेचने की जरूरत ही क्या है। वो बंदा बेचारा सामने से 60000 रुपये में मांग रहा था गाड़ी, चलो ट्विस्ट नहीं मिलती लेकिन 13-14 की तो नैनो मिल जाती। कोई नहीं पैसे आएंगे तो दूसरी नहीं ले लेंगे, है ना, डिस्काउंट बनवाएंगे, नहीं तो अभी नहीं, मतलब कि दूसरी तुम्हारे पास आएगी तो फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, आ जाएगी 2 दिन के बाद, तब तक तो 2 दिन के बाद तो वो वाली आएगी, दूसरी एक और कोई आएगी तो फिर देख लेंगे। एक और आई है लेकिन, हाँ वो एक और आई है बट, है ना, तो थोड़ा काम है, लेकिन यार फिर सस्ती भी मिल रही है, सस्ती भी मिल रही है,
काम तो इसमें भी बहुत है लेकिन मैकेनिकल वर्क नहीं है और रस्टिंग वगैरह कुछ वो तो आपने करवा दिया थोड़ा थोड़ा करके सब बस पेंट बाकी है, इंटीरियर बाकी है, एक्सटर्नल खर्चे बाकी है बस उसके। और पूरी गाड़ी बनवा दी है अभी, एक नंबर बना दिया भाई गाड़ी। सिर्फ अभी गाड़ी चला के देखोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो भाई अमिताभ बच्चन के फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं यहाँ पे, चेक कर लेना इनको मैंने दे दिया ऑटोग्राफ, दिखाओ तो प्रैक्टिस चल रही है। ये हो जाए आज, आज में हो जाएगा कि कल, कल लग जाएगा। ऊपर प्लेट भी डालनी है ना, पीछे तक जाएगा यानी ऊपर भी फिर बैठने का वो सब हो जाएगा। अच्छा तो भाई निकल चुके हैं घर के लिए और अभी यार शाम हो गई है, शाम हो गई है और हमने सोचा इसके नीचे का जो फ्लोरिंग का काम है ना, फ्लोरिंग का करवाएंगे क्योंकि फ्लोरिंग से ना मस्त अलग तो लुक आ जाएगा, अच्छा नई सी हो जाएगी और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अंदर की नॉइज थोड़ी सी कम उससे हो सकती है। ठीक है ये कर सकते हैं और बाकी रूफ का भी देखते हैं, अगर रूफ खोल के खोले बिना अच्छे से अगर रूफ का कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो करा लेंगे। अभी तो सब बेस्ट है और अभी चलते घर की तरफ। बुलाए न बुलाए तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात, बुलाए न बुलाए